द्विघात, बहुपद के शून्य एवं गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद का मानक रूप fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है यदि अल्फा और बीटा इसके दो शून्य हैं तो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। किसी स्थिरांक के लिए हम बहुपद को इस प्रकार लिख सकते हैं, fx बराबर के एक्स माइनस एल्फा प्लस बी एक्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इस प्रकार लिख सकते हैं। एफ एक्स जो द्विघात बहुपद है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इसको हल करने पर के ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस एल माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के एल्फा बीटा। दोनों पक्षों का तुलना करने पर ए बराबर के होगा, ए बराबर के, बी बराबर माइनस एल्फा बीटा के और सी बराबर के एल्फा बीटा, सी बराबर के एल्फा बीटा होगा। तो इस तरह से अपने पास ये तीन समीकरण बन जाती है। इनसे तुलना करने पर हम पाते हैं माइनस एल्फा प्लस बीटा के इजिकल टू बी भाग दिया इसको के से, एक से भाग देने पर इस साइड में हो गया ये ए। समीकरण दो में एक का भाग दें के से के कट जाता है, इस प्रकार अपने को प्राप्त होता है एल्फा प्लस बीटा माइनस इधर पे भाग देने पर माइनस बी बटा ए, अर्थात शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। बी है जो एक्स का गुणांक है और ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का गुणांक। पुनः तीन में एक का भाग देने पर, तीन में एक का भाग दें, तीन में एक का भाग दें तो ये अपने को प्राप्त होता है के एल्फा इंटू बीटा भाग के, इधर हो गया इसमें सी अपॉन में ए, के से के कट हो जाएगा, ये अपने को प्राप्त हुआ एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए सी अपॉन ए, सी है वो अचर और ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध प्राप्त हुआ है वो अपन संक्षिप्त में इस तरह से याद रख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये याद रखने योग्य हैं।